हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं डिस्टिलेशन कॉलम का नवा प्रश्न। दोस्तों, आज के प्रश्न में हम समझेंगे कि वीपिंग क्या होती है। दोस्तों, यहां पे फ्लडिंग हमने पहले वीडियो में बता दिया, अब दूसरा प्रॉब्लम जो है वीपिंग बताऊँगा कि अपने डिस्टिलेशन कॉलम में वीपिंग क्या होती है, वीपिंग की प्रॉब्लम क्या होती है। दोस्तों, वीपिंग को समझने के लिए आप पहले मेरी वीडियो जो फ्लडिंग मैंने बताया था, फ्लडिंग इन डिस्टिलेशन कॉलम, उसको जरूर ध्यान से देखना तो और अच्छे से समझ में आ गया आ जाएगा। उसमें मैंने ये बताया था कि जो है ये हमारा डिस्टिलेशन टावर है, जिसमें ये हमारे बबल कैप ट्रे हैं और ट्रे का काम हमारा लिक्विड और वेपर को कंटेक्ट में लाना, एक दूसरे के कंटेक्ट में लाना, उनके रिटेंशन टाइम को बढ़ाना, इसके लिए हम ट्रे यूज़ करते हैं। ये हमारा रिबॉइलर है और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट टैंक है। ये रिफ्लक्स और जो वेपर उठेगी उस वो यहाँ कंडेंसर में कंडेंस होगी। ये चिल्ड वाटर सप्लाई है, मतलब चिल्ड वाटर इसमें इन हुआ, चिल्ड वाटर यहाँ से आउट हुआ और ये हमारा कंडेंसर है। कंडेंसर में वेपर कंडेंस होंगी और फाइनली हमारा फाइनल प्रोडक्ट यहाँ मिल जाएगा। 30% लगभग रिफ्लक्स हम टावर में फीड कर देंगे। तो ये हमने डिस्टिलेशन कॉलम के बारे में इंट्रोड्यूस करा दिया था। अब हम देखते हैं कि यहाँ से हम और आप जानते हो ये हमारा यहाँ पे हम फीड दे रहे हैं, फीड हमारे ये मिडिल में दे रहे हैं। दोस्तों, वीपिंग में क्या होता है? वीपिंग को समझने से पहले हम थोड़ा सा एक और चीज़ बताना चाहेंगे कि ट्रे पर लिक्विड तथा वेपर दोनों का कंटेक्ट होना जरूरी है, तभी सेपरेशन अच्छा होगा। जितना अच्छा कंटेक्ट होगा लिक्विड और वेपर में, उतना अच्छा डिस्टिलेशन टावर में सेपरेशन होगा। तो वीपिंग में क्या होता है दोस्तों, कि वीपिंग में हमारा जो वेपर की वेलोसिटी है वो कम हो जाती है और लिक्विड की वेलोसिटी अधिक हो जाती है। जैसे मैंने वही बताया था कि यहाँ से हम वेपर जनरेशन हम यहाँ से करते हैं, रिबॉइलर से हम क्या करते हैं, वेपर जनरेशन करते हैं। तो वीपिंग में क्या होता है कि वीपिंग में हमारा जो है किसी भी वजह से, चाहे आप स्टीम कम दे रहे हो, सपोज करो कि रिबॉयलर में आप स्टीम कम दे रहे हो, जिसकी वजह से यहाँ पे वेपर जनरेशन बिल्कुल कम हो रहा है। तो जब वेपर जनरेशन बिल्कुल कम होगा तो उस केस में क्या होगा कि जो यहाँ से फीड दोगे लिक्विड को यहाँ पे फीड करोगे फीड ट्रे पे, तो तेजी से डिस्टिलेशन टावर में तेजी से नीचे गिरेगी, और जब तेजी से नीचे गिरेगी तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं वेपिंग। वेपिंग में हमारा क्या होता है कि वेपर की वेलोसिटी कम हो जाती है और लिक्विड की वेलोसिटी अधिक हो जाती है। लिक्विड की वेलोसिटी अधिक हो जाएगी तो वो तेजी से नीचे आएगा, और वेपर की वेलोसिटी कम हो जाएगी तो वो, और वेपर की वेलोसिटी कम क्यों हो रही है, क्योंकि हम रिबॉइलर में या तो स्टीम कम दे रहे हैं या किसी भी वजह से हमारा टावर का टेम्परेचर डाउन हो गया है, या आप मैक्सिमम अमाउंट में रिफ्लक्स में 30% के आसपास रिफ्लक्स देना होता है। आप ऐसा ना कर रहे हो कि रिफ्लक्स भी 100% ही खोल दिया, तो रिफ्लक्स जब 100% खोल दोगे तो तेजी से ये वाला लिक्विड और जो फीड कर रहे हो ये वाला लिक्विड, यानी कि लिक्विड की वेलोसिटी बहुत तेज हो जाएगी, वो नीचे की तरफ आएगी और वेपर की वेलोसिटी, वेपर जनरेशन बिल्कुल कम हो जाएगा, तो उस यही प्रोसेस हमारी क्या कहलाएगी दोस्तों, वीपिंग। तो आप ये जो है वीपिंग जो है दोस्तों फ्लडिंग का उल्टा होता है। फ्लडिंग में जो दोस्तों प्रेशर ड्रॉप अधिक होता था, फ्लडिंग में प्रेशर ड्रॉप अधिक होता था जिसकी वजह से हमारा जो वेपर है वो लिक्विड को कैरी ओवर होकर कंडेंसर में लेकर चला जाता था। लेकिन वीपिंग में जो है, वीपिंग में हमारा डिस्टिलेशन टावर का जो प्रेशर ड्रॉप है बिल्कुल कम हो जाता है। जब प्रेशर ड्रॉप बिल्कुल कम ही रहेगा तो जो भी लिक्विड फिट करोगे वो तेजी से नीचे आएगी, और जब लिक्विड की वेलोसिटी अधिक हो जाएगी और वेपर की वेलोसिटी कम हो जाएगी तो उस प्रोसेस को आप वीपिंग कह सकते हो। आई होप आपको वीपिंग भी अच्छे से समझ में आया, और टावर की नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम है वो भी मैं जल्द लेके आपसे मिलूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।